अधिकारी गौरव प्रमाण देवी सरस्वती व्यासं तथो
ये जो श्रीमद् भागवत कथा है इसकी इतने महत्व है, बोले स्वर्गीय सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। यदि आज जो सौभाग्य हमें मिल रहा है, यदि ये सौभाग्य स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी ये देवताओं के सौभाग्य में भी ये भागवत कथा सुनने को नहीं मिलती। इसलिए आगे हम श्रवण करेंगे। जिस समय से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, जिन जिन देवता को अपना घर में पूजा करते हैं, इंद्र चंद्र वायु वरुण, ये जितने सारे 33 करोड़ देवता स्वर्ग से ये अमृत कलश लेकर के आए, बोले हे सुखदेव गोस्वामी आप ये परीक्षित को क्यों कथा सुनाने जा रहे हो? बोले इनको श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया है, इनकी सप्तम दिवस में इनको तपस्या का दर्शन करेगा, साफ काटेगा। बोले कोई चिंता मत करो, हमने स्वर्ग से अमृत कलश लेकर का लो, ये पूरी की पूरी ये अमृत कलश ले लो, ये अमृत कलश श्री परीक्षित महाराज को पिला दो। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे हो ये कथा हमें सुनो। जब इतना बोले, इतने में सुखदेव गोस्वामी को इतना क्रोध आया, कहते को काच को मणि महान। वो उदाहरण देके कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति एक काच की टुकड़ा लेने के आए, बोले इसको ले लो, आपके पास में जो मणि है वो मणि को आप दे दो, आप बताओ दोगे कि नहीं? इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मूर्ख देवताओं तुम लोग केवल अपना मतलब को हासिल करना जानते, बड़े स्वार्थी हो। को काच को मणि महान, कहां ये श्रीमद् भागवत कथा? ये भागवत कथा है क्या जी? साक्षात जगन्नाथ, ये कथा नहीं, ये भगवान कृष्ण श्री जगन्नाथ जी ये जीवों को कल्याण करने के लिए भागवत में ये ग्रंथ रूप में विद्यमान हुए, ये स्वयं भगवान कृष्ण है। इसलिए जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे, उसी समय में उद्धव जी वहीं पर थे। बोले प्रभु आपका हमें छोड़ करके जा रहे हो, आप बताओ हम कलयुग में किसका आश्रय ग्रहण करेंगे? भगवान कृष्ण खुद कहे, कृष्ण कौन? जगन्नाथ जी। ये जगन्नाथ जी कहते बोले कोई चिंता मत करो, मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ, लेकिन कलयुग में मैं दूसरे स्वरूप में भी रह रहा हूँ। बोले प्रभु कलयुग में हम किस रूप में रहोगे? बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, कलयुग में ये भागवत ग्रंथ रूप में रहूंगा। अगर कलयुग में कोई व्यक्ति ये भागवत कथा श्रवण करता है, भागवत कथा सुनना और बांके बिहारी से मिलना कोई अलग नहीं, ये कोई अलग नहीं, हम कथा नहीं सुन रहे हैं, साक्षात ठाकुर जी से हम मिलन कर रहे हैं। एक बार जयकार दो, श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जयकार का आनंद नहीं, कोई जय कोई हे बोल रहे। तो देखो जो जितने जोर से भागवत को जय देगा ना, उसका उतना ही पाप दूर होगा, आपका ही जय होगा, ठाकुर का भी जय जयकार है। जोर से बोलो श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, पता चल गया कथा होगी। इसलिए यहाँ पर बताए ये भागवत कथा स्वयं कृष्ण ही है। बोले कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान कलो नष्टा पुराण अर्कुना। बोले भगवान जब ये जगत छोड़ करके चले गए, जैसे भगवान कृष्ण ने कहे ना, बोले जगा जगा ही धर्म से ग्लानी भारत अद्भुतार्थम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब तक इसी जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए, स्त्री गो
ब्राह्मण और संत को बोलने अत्याचार होने लगता है, उस समय में जगत में प्रकटित होकर क्या करता हूँ, दुष्टों को विनाश करता हूँ और संतों को मैं रक्षा करता हूँ। इसलिए ठाकुर जी कभी वत्सवतार रूप में आए और ठाकुर जी ने किया क्या वत्सवतार में, जिस समय शंखासुर ने ये चार वेद को हरण करके ले गया था, ठाकुर जी वत्सवतार में चार वेद उठा लिया। कुर्मा अवतार में समुद्र मंथन का समय पर ठाकुर जी कुर्म रूप धारण करते हुए मंदाचल पर्वत को पीठ को धारण किया और उन्होंने मंदाचल पर्वत हुई। वराह अवतार में ये पृथ्वी जब रसातल में चली गई थी, ठाकुर जी वराह अवतार धारण किया और उन्होंने पृथ्वी को उतल में किया। नरसिंह अवतार में भगवान श्री हिरण्यकश्यप को वध करते हुए उन्होंने प्रह्लाद महाराज को रक्षा किया। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा बता प्रह्लाद तेरे भगवान कहाँ है, प्रह्लाद बोले बताओ मेरे भगवान है ही नहीं कहाँ तो बताओ। बोले भैया मेरे को क्यों नहीं दिखता है। बोले पिताजी आपका जो आंखों में है ना, ये काम क्रोध लोभ मोह रूपी आपने काजल लगाया। ठाकुर जी तभी दिखते हैं। बोले प्रेमांजन छोड़ी का भक्ति विलोचनेना, जब हम ना आंखों में प्रेम रूपी काजल को हम धारण करेंगे तभी ठाकुर कभी तो दिखेंगे। काम क्रोध ईर्षा द्वेष जब तक हृदय में, थोड़ी ठाकुर दर्शन मिलेंगे। बोले बताओ तेरे भगवान का आंख में, देखो ठाकुर जी यहाँ पर बैठे, सचमुच से भगवान प्रकट हो गए नरसिंह, क्योंकि भक्तम भाषिता निज भक्त भाषिता, भक्त जो बोलता है ना भगवान उसको सत्य करते हैं। बोले मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर जी बैठे हुए हंस रहे हैं। बोले पहले तेरे भगवान को दिखाऊंगा, तेरे को बाहर में दिखाऊंगा, है मुष्टि का धार तुम्हारे तो साक्षात श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो। बोले नरसिंह भगवान की, इसलिए भगवान कभी नरसिंह अवतार रूप में आए और भगवान कभी राम बन के आए, रावण को वध किया, लेकिन भागवत रूप में कभी हुआ। हम जैसे कलियुग का जीव की उपज में ठाकुर जी कल्याण करने के लिए ठाकुर जी बोले तेनाई मूर्ति प्रत्यक्ष बरतते हरि। इसलिए भगवान कलियुग में हम लोगों का कल्याण करने के लिए ठाकुर जी ये सब का ब्रह्म रूप में, ये वाणी रूप में, अक्षर रूप में ठाकुर जी, ये भागवत ग्रंथ रूप में ठाकुर जी। इसलिए भागवत ग्रंथ नहीं, ये ठाकुर स्वयं बातें भी आ रही, श्री जगन्नाथ जी भी हमारी कल्याण करने के लिए भागवत ग्रंथ रूप में ठाकुर जी प्रकट होते हैं। श्रीमद भागवत कथा वृत्त की, इसलिए बोले बोले तमादि देवम करुणानिदानम तमालवर्णम त्रुइलावतारम अपार संसार समुद्रेन्दु भजामहे भागवत स्वरूपम। इसलिए बोले बोले तमादि देवम करुणानिदानम, बोले भागवत क्या है, बोले तमादि देवम करुणानिदानम। जब जितने ग्रंथों में जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भागवत है, हम आगे जाकर के श्रवण करेंगे, जब श्री व्यास देव जी समस्त ग्रंथों को रचना कर चुके थे, मन को शांति नहीं मिल रहा है। इसलिए नारद जी आकर के बोले देखो जब तक तुम ये श्रीमद भागवत ग्रंथ नहीं रचना करोगे तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। अगर मन में शांति पाना चाहो तो क्या करो, श्रीमद भागवत ग्रंथ को रचना। मतलब क्या, तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी जब तक ये भागवत कथा सुनेंगे नहीं। जैसे श्री भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण कौन है जगन्नाथ जी, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादि
आदि गोविंद सर्व कारण कारण। जैसे भगवान कृष्ण समस्त कारणों का जो कारण है ये भगवान श्री वाल्मीकि बिहारी है। ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ कौन है बल्कि कृष्ण से अभिन्न, ये भगवान कृष्ण है। इसलिए शास्त्र में बताए ब्रह्म सूत्र आयाम भारत विनिर्णय गायत्री भास स्वरूप वेदार्थ परिवृत्त। जितने वेद पुराण इतिहास है उसका जो सार है भागवत। जो व्यक्ति ये भागवत रस को पान कर लिया उसको फिर कोई रस पान करने की कोई जरूरत नहीं। जो एक बार भागवत सुन लिया उसको सामने सारे रस उसको सामने फीकी पड़ जाएंगे। जो व्यक्ति ये भागवत कथा श्रवण कर लिया इसलिए बोले तमादि देवम करुणानिदानम कमालवर्णम। भगवान जगत में क्यों प्रकट हुए? बोले हमारे कल्याण करने, जीवों को उद्धार करने के लिए ठाकुर जी प्रकट हुए। अगर कोई व्यक्ति भवसागर से पार होना चाहते हैं, भवसागर मतलब क्या है कि संसार मतलब भव मतलब होता है होना। जैसे जन्म मृत्यु दुख का कष्ट है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, दुखी दुखी करते ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ये सारे दुख से निकलना चाहते हैं, सारे दुख कष्ट से मुक्ति पाना चाहते हैं, उसको क्या करनी चाहिए? जो भागवत सुनो। क्या सुना? जोर से बोलो। आप लोग देख लीजिएगा सचमुच से जब 7 दिन हो जाएगा ना आपको ये पता चलेगा सचमुच से हमें आत्मा को बड़े शांति मिली है। आप स्वयं ये चीज का अनुभूति करेंगे आत्मा को कितने शांति मिली जब हमने ये भागवत कथा सुनी है। इसलिए कहते हैं अपार संसार समुद्र से तुम भजा मने भागवतम स्वरूपम। ये भागवत कथा से मन को आत्मा को शांति ये भागवत कथा से ही मिलेगी। श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। देखो श्री सुखदेव गोस्वामी क्या कहती है तो ध्यान देने चाहिए। कहते जो सौभाग्य देवता को भी प्राप्त नहीं हुआ, देवता को अगर कथा सुनना हो स्वर्ग छोड़ कर के वो खाली हाथ से नहीं ये अमृत कलश को लेकर के आए, बल्कि ये पूरी की पूरी ये अमृत कलश ले लो और इसको श्री परिग्रह महाराज को पिला दो, क्योंकि ये भागवत कथा अमृत हमें पिला दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बुला दिया उनको वहां से, ये कथा नहीं सुन सकते। कहां स्वयं भागवत संख्या जगन्नाथ स्वरूप है और जगन्नाथ जी को साथ में ये तुच्छ अमृत को तुलना देना चाहते हो? आप बताओ अमृत पान से क्या होता है? देवता का राजा इंद्र है, इतना बार तो उसने स्वर्ग, इतना बार स्वर्ग छोड़कर के भागा, अहल्या के प्रति आसक्त हो गया, कितने दुर्गति मिली इंद्र को, जो जो अमृत पीने वाले जो देवता का जो राजा इंद्र को इतने दुर्दशा होना चाहिए अमृत पी कर। इसलिए अमृत पीने से पुण्य खत्म होगी लेकिन कथा अमृत पाने से पुण्य बढ़ेगी, पुण्य बढ़ेगी। ताली हो जाए, ताली हो जाए। इसलिए कथा अमृत से पुण्य बढ़ेगी और स्वर्ग का अमृत पान करने से क्या होगा? कृष्ण कहते किन्न पुण्यम मर्त लोकम विसरती। तुम्हारी पुण्य खत्म होते ही तुमको गले में धक्का दे करके स्वर्ग से भिजक जाती है, लेकिन कथा अमृत पाने से क्या मिलेगी? भगवान का नाम मिलेगा। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जत तत्वा न विवर्तन तत्थाम परमम। हे अर्जुन अगर एक बार तुम मेरे पास में आओगे तो कभी पुनर्जन्म न मिलते। इसलिए कथा अमृत से भगवान का नाम मिलेगा।
जहाँ जाने से वापस नहीं आओगे, लेकिन स्वर्ग अमृत पीने से क्या लाभ मिलेगा नहीं, बल्कि धक्का मार कर गिरा देगा। इसे से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये भागवत की कथा मृत को सामने दुनिया की कोई भी अमृत को आप बराबर कर ही नहीं सकते। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है जो ये भागवत कथा श्रवण करते हैं, हम लोग देवता सभी ज्यादा पुण्यात्मा, देवता हम सभी ज्यादा पुण्यात्मा हमें। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये भागवत कथा स्वर्ग तो है ही नहीं, लेकिन इस स्वर्ग की बात ही छोड़ दो, ये कथा मृत सत्यलोक में भी नहीं। सत्यलोक इसको कहते हैं, कहते भूल भुव मोह जन्ना तप सत्य, जहाँ पर पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं, ये ब्रह्मांड की सबसे ऊंचाई पर है। ये ब्रह्म पद को कौन प्राप्त करता है? बोले जो व्यक्ति 100 जन्म तक अपना वर्ण और आश्रम का धर्म को जागरण करेगा, वही व्यक्ति ये ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। लेकिन अगर कहीं ये भागवत कथा होना, देवता की बात छोड़ दो, ब्रह्मा भी स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक को छोड़ करके इसी मर्त्य जगत में कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भले कथा है तो I'm
ज्यादा जो लाभ है ना, बोले दीन दीन बढ़त सवार, जो भक्ति कभी घटे ही नहीं, ये भक्ति तुम्हारी घटते जा रही है। इसलिए ब्रह्मा जी को पता है जगत में अगर सबसे ज्यादा कहीं लाभ है ना, ये भागवत कथा में ही लाभ है। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को छोड़ करके आते हैं। एक और ये किसी क्या देते हैं, अकेले नहीं आते, अपना पत्नी को साथ में आए। किसको साथ में आए, बोले सारदे। सारद मतलब ब्रह्मा जी की जो पत्नी, वो सारद का लेकर के आए, अकेले नहीं आए। इसलिए शंकर जब कथा सुनने आते हैं वो अकेले नहीं, वो पार्वती को लेकर के आते हैं। जब देवता लोग आए थे ना, वो भी अकेले नहीं, वो भी अपना पत्नियों को लेकर के आए। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, कभी कथा सुनो देवता, यहाँ शिक्षा देते हैं भैया कथा सुनने के लिए अकेले मत लाओ। अगर भाई लोग आते हैं ना, पुरुष लोग आते हैं, अपना पत्नी को लेकर के आओ। अगर माताएं आती हैं अकेले नहीं, अपना तुम्हारी देवता को लेकर के आओ, पतियों को लेकर के आओ, अकेले मत लाया करो। बोले क्यों, जब ये चीज को समझो, इसकी रहस्य को समझो, क्यों अकेले कथा नहीं सुननी चाहिए। आप लोग स्वयं साथ में भी अगर आप कथा सुनोगे ना, आप जिस रूप में यहाँ आए हो उस रूप में यहाँ से नहीं जाएंगे। संपूर्ण रूप में भावना को बदला कर दिया, क्योंकि आपको ये चीज पता चल रहा है ये जीवन है क्या है। भगवान हमें ये मानव जन्म क्यों दिया है, ये मानव जन्म लाभ का सार्थकता किसी में है, आपको ये चीज पता चलेगा। जिसको भगवान राम कहते हैं, साधन धाम बक्ष मेरे द्वारा पाई नर जई पर लोक सवार। भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हैं, बोले हे अयोध्या वासियों, ये मानव जन्म नहीं, ये मुक्ति की दरवाजा पर तुम पहुंचे हो। इसी जीवन में ही प्रभु की भक्ति करके तुम भगवान तक जा सकते हो। ये भगवान की भक्ति इंसान के सिवा कोई कर ही नहीं सकते। इसलिए ये मानव शरीर नहीं, ये साधन धाम, ये साधन के धाम स्वरूप। जब पता चलेगा फिर क्या करोगे, अगर भाई लोग अगर कथा क्या होगा, अगर आप लोग प्रभु का भजन करना शुरू करोगे, गलती तिलक लगाओगे, भजन करोगे, अगर माताएं नहीं आई ना, क्या होगा फिर, पुरुष लोगों को ताना मारेंगे, बोले क्या दिन भर माला लेकर गीता भागवत लेकर बैठ जाते, कोई काम धाम नहीं, कोई काम धाम नहीं। जब तक गीता रामायण भागवत माला लेकर बैठते, अगर माताएं अगर आई ना, अगर पुरुष लोग नहीं आए तो, अगर माताओं को घर में भी रंग चढ़ेगी, अभी भक्ति करना शुरू करोगे, अरे भाई लोग क्या बोलेंगे, कौन सा बाबा के चक्कर में पड़ गई है, जब देखो माला लेकर, जब देखो भगवान का धाम में, जब देखो वृंदावन चलो। लेकिन अगर दोनों कथा सुनने आओगे, ये रंग दोनों को ऊपर चढ़े, पहिया दो, जो गाड़ी दो पहिया में चलती नहीं, गाड़ी एक पहिया में नहीं, गाड़ी दो पहिया में चलती है ना, दो पहिया में चलती गाड़ी, फिर दोनों क्या बोलोगे, चलो वृंदावन चलो, सत्संग हो रही है चलो, भागवत हो रही है चलो, फिर दोनों आओगे तब तो बढ़िया संसार चलेगा। इसलिए यह ब्रह्मा जी अकेले कथा में नहीं आए, ब्रह्मा जी इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले स्वर्गीय सत्य चया से बोले वैकुंठे नास्ते अमरस। यदि जो भागवत कथा को रस है, यदि ये स्वर्ग में भी नहीं, ये ब्रह्मलोक में भी नहीं, यदि ये ब्रह्मलोक की बात छोड़ दो, ये कथा कैलाश लोक में भी नहीं, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। हाँ, गोस्वामी जी स्वयं रामचरित मानस में कहते हैं, बोले एक बार रे काया योग Yeah.
लोग राम कथा सुने होंगे, जब श्री शंकर जी और माता सती वो अगस्त ऋषि के चरण में कथा सुनने के लिए आए थे। अभी कथा बैठ करके दोनों सुने, जब कथा सुन करके वापस जा रहे थे, ठीक उसी समय में रावण ने माता सीता को उठा कर ले लिया। इतने में भगवान राम हांसते हांसते करकर के लता पता वृत सबको पूछ रहे थे, मेरी सीते को कहीं देख रहे हो? लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहे थे कहां सीते हैं। लेकिन इतने में शंकर जी ने देखा, देखो ठाकुर की कितनी सुंदर लीला है, आज सीता थोड़ी कहीं गई है। रावण जो सीता को उठा करके लेके गया, आप रामायण देखे होंगे, वो थोड़ी सीता थी, वो नकली सीता थी, असली सीता तो अग्नि को पास में। रावण ने नकली सीता को उठा करके लेके गया, लेकिन देखा देखो प्रभु कितने सुंदर लीला कर रहे हैं। जो घटघटवासी कहते शक्ति शक्ति मत और अभेद, शक्ति और शक्तिमान कहीं अलग है नहीं, वो एक शरीर ही है, वो कहीं अलग गए नहीं। लेकिन शंकर जी कितने सुंदर लीला कर रहे हैं, इसलिए भगवान राम कितने सुंदर लीला कर रहे हैं। इतने में शंकर जी सती को लेकर दूर से परिक्रमा कर रहे थे, लीला में कोई व्याघ्रत नहीं हो। इतने में सती ने प्रश्न की, बोले प्रभु किसको प्रणाम कर रहे हो, किसको परिक्रमा कर रहे हो? आप जो पराशर तत्व परम ब्रह्म भगवान श्री राम की मुझे कथा सुनाते हो, ये कोई राम, ये सचमुच से कोई वही राम ना, ये कोई साधारण इंसान है। शंकर जी ने समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन सती नहीं समझी, बोले मैं लिखी पढ़ी अनपढ़ थोड़ी हूँ, आप जो बोलोगे मैं सुन लूंगी। देखो जगत में, ध्यान देकर सुनो, जगत में ऐसे पांच प है ना, आप दुनिया को समझा सकते, लेकिन पांच प को नहीं समझा सकते। जानते हो पांच प कौन? पहला नंबर पत्नी, पहला नंबर पत्नी। आप देखना दुनिया को समझा दो, पत्नी को समझा पाते हो कि पत्नी आपको उल्टा सिखा देती है? सारा दुनिया में आपको बात चलती होगी, घर में कोई काम बात नहीं चलती होगी, घर में किसकी बात चलती है? अरे बोलो किस घर में किसकी बात चलती है? फिर माता जी क्या करें, हमारी चलती है, हैं? पत्नी हर समय कहती है हमारे पति तो सबसे ज्यादा बेवकूफ यही है, इनको लूट पाट ले लेते हैं इसको, हैं? हर समय पत्नी कहती है, इनको मैं समझा करती हूँ। पहला नंबर पत्नी, दूसरे नंबर है पुत्र, तीसरा नंबर है पुत्री। देखना आप सबको बात सुनते होंगे, लेकिन आपको बेटा बेटी बात नहीं सुनते, उनको पढ़ा भी नहीं सकते, आप बेटा बेटी को खुद पढ़ा नहीं सकते हो, हैं? और जो चौथा जो पर है पड़ोसी, देखना सारा दुनिया में तुम्हारी बनती है, लेकिन पड़ोस में झगड़ा होता है। और जो पंचमा पर जानते हो, बोले परिवार, सारा दुनिया में तुम्हारी इज्जत, परिवार में कोई इज्जत नहीं होगी, परिवार में कोई इज्जत नहीं होगी सारा कर। इसलिए शंकर जी समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन सबकी समझी नहीं, बल्कि परीक्षा करूंगी। लेकिन वो परीक्षा करने के लिए गई तो सचमुच से क्या देखा कि स्वयं परात्पर परम ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र है। बोले श्री सियावर रामचंद्र की, जोर से बोलो, बोले श्री सियावर रामचंद्र की। सती ने सीता को धारण करते हुए गई और शंकर से झूठ बोली तो लाल ने सती को प्राण त्याग देना पड़ा। देखो यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा देते हैं। देखो अगर हमसे कोई गलती हो जाता है ना, अगर बड़े व्यक्ति को पास में कोई गलती हो गई, तुम्हारी पति गुरुदेव कोई श्रेष्ठ, अपना गलती को मान लो, उसमें भलाई हो, हमसे गलती हो गई, लेकिन अगर उसको छुपाने के लिए कोशिश करो ना, देखना एक गलती से दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथी, और लास्ट में सती को भी, माता पार्वती को सती को लास्ट में शारीरिक त्याग देना था। तो ये झूठ तुम्हें कहां तक ले जा सकती है, ये झूठ तुम्हें कहां तक ले जा सकती है? हाँ यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर कभी शंकर जी को पार्वती को कथा सुनना हो, वो कैलाश छोड़ कर कथा सुनने के लिए, तब गोस्वामी जी कहते भैया कैलाश की बात छोड़ दो, ये जो भगवान की कथाएं, कहते वैकुंठ नास्ते अमरस, भैया वैकुंठ में नहीं है कथा, वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण की कथा,
लेकिन राधा कृष्ण की जगन्नाथ की कथा नहीं मिली है, ये कथा तुम्हें नहीं मिलेगी। इसलिए गोस्वामी जी कहते वैकुंठ के नाश्ते सब, इसलिए वो उदाहरण लेते हैं, बोले गया वो गरोरा जहाँ बसा ये वो सोरा, गया वो गरोरा जहाँ बसा, गया वो गरोरा जहाँ बसा ये वो सोरा, ये भगवान की सेवा पूजा करके आए हैं,
वही व्यक्ति इसी जीवन में भगवान का नाम को ले सकता है, नहीं तो मुंह से ठाकुर का नाम ही नहीं निकलेगा। आप जरा बैठ करके दुनियादारी की बात कर लो, हैं? सारे दुनियादारी की बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा बोलो हरि का नाम लो, वे समय कहाँ है? हमारे पास में समय कहाँ है? इसलिए भगवान का जो नाम है, बड़े भाग्य से कोई ठाकुर जी का नाम को ग्रहण करते हैं। इसलिए सबके सब मेरे पीछे पीछे बैठ करके हरि का नाम लो, हैं? हरि का नाम लो और ताली बजाते हैं, ठीक है ना? ताली बजाओगे ना, उसमें बहुत लाभ है। आप रामदेव बाबा का योगा देखे हो? कौन कौन रामदेव बाबा का योगा देखे? हाथ उठा दो। योगा रामदेव बाबा का किसने देखा? आप देखना आपको क्या कहता है, बल्कि कैंसर हो तो हाथ का कौन सा पॉइंट दबाओगे? अगर बीपी को लो करना तो कौन सा पॉइंट को दबाओगे? अगर शुगर को कम करना तो कौन सा देखेगी? नहीं बताते कि नहीं रामदेव बाबा, लेकिन देखना जब ताली बजाते वो सारे काम होता है। ताली जब बजा तो सारे पॉइंट से तुम्हारे हाथ से सारे पॉइंट अपने आप कर जाती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो जो विधान बताया ना भगवान के कीर्तन में, वो साधारण समझना रही कि ताली बजाने से क्या होता है, कीर्तन करने से भैया बहुत कुछ होता है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, अभी का जैसे बेवकूफ साइंटिस्ट नहीं। देखना एक साइंटिस्ट आकर एक पूरे से बताता है, दूसरे आकर काट कर चले जाता है। देखना बच्चों का पुस्तक बदलती, बोले क्यों? बोले अमुक साइंटिस्ट ने ये बताया था, दूसरे आकर के सारे फिलोसफर को काट कर गया, काट कर गया। अब देख लेना एक एक साइंटिस्ट एक एक बात दूसरे आ गया। आप बताओ रामायण का कोई चौपाई बदली है? गीता का कोई एक अक्षर भी बदला है? गीता की भागवत का कोई अक्षर बदली है? वेद का अक्षर कोई बदली है? अभी तक नहीं बदली। क्यों? हमारे ऋषि मुनियों ने जो जो बात बता कर गए ना, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, वो छोटे बड़े अभी का जैसे साइंटिस्ट नहीं है, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। इसलिए उन लोगों ने जो जो बात बता कर गए, अगर आप सूक्ष्म रूप में देखोगे ना, हमारे भारत में जो जो चीज हो रही, देखो एक चीज को देखो अच्छे तरह समझो। हमारे भारत में कहते हैं तीन चार पेड़ को पूजा करते हैं। आप बताओ तो भारत में कौन सा पेड़ को पूजा करते हैं? पीपल को पूजा करते हैं, बरगद को पूजा करते हैं, कभी नीम को भी पूजा करते हैं, तुलसी को पूजा करते हैं, है ना? पूजा करते हैं। देखो उसमें कितना साइंस है। आपको पता है तीन में जितने सारे वृक्ष है वो ऑक्सीजन छोड़ता है और क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है ये सारे वृक्ष। एक देखना रात में भी तीन चार वृक्ष का नाम सुने ना, ये वृक्ष रात को ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए भारत में बताते ना आंगन में तुलसी का लगाओ, क्यों? वो ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है तुलसी। और जहां पर तुलसी वृक्ष है, तुलसी वृक्ष एक दुकान से एक दवा को ढूंढना जिसका नाम तुलसी पावर, अब ढूंढना उसको, इतना बड़ा बोतल मिलेगा, इतना बड़ा पेपर पढ़ करके देखना उसमें 200 बीमारी की मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में, इतने मेडिसिन 200 तरह का मेडिसिन बीमारी का दवा ये तुलसी वृक्ष में। अभी कोरोना आया था आपको पता है, आपको बताओ तो सबसे पहले ये कोरोना का मेडिसिन किसने दिया था? कौन बोलेगा आपको? अरे बोलो, ये रामदेव बाबा ने निकाला था, कोरोना ने निकाला, सबसे पहले निकाला ना। आप उसको पढ़कर देखना 80% तुलसी थी उसमें, 80% उसमें तुलसी थी। जब ये कोरोना सारा दुनिया में व्याप्त किया, लेकिन एक जगह पर ये कोरोना गई नहीं। आपको पता है यहाँ पर ये हिमाचल में एक गांव में किसी तरह से कोरोना, तो लोग सब कैसे घूम रहे थे, वहां कोरोना थी नहीं। अब मीडिया लोग वहां पर पहुंचे, बोले भैया ये कोरोना तो सारा दुनिया में गया, यहाँ पर क्यों नहीं गए? वहां जाकर देखा हर घर घर में 20-25-25 तुलसी वृक्ष, वो गांव में हर घर घर में तुलसी, गांव में पूरा तुलसी वृक्ष था। इसलिए वहां पर कोरोना की कोई बीमारी वहां पर नहीं गई। इसलिए हमारे भारत में जो जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, आप समझना सब साइंस ही है। पहले घर में मिट्टी गोबर में पोतते ना, पोते कौन पोते हो, तब मिट्टी गोबर से किसने घर को पोते, वो भी बहुत बड़े साइंस ही है। मिट्टी को गोबर से, गोबर से जो है ना, अब अभी गोमूत्र से,
वो अभी गोमूत्र निकला है ना, गोमूत्र ऐसे मेडिसिन बताए, अगर जो व्यक्ति रोज रोज गोमूत्र खाएगा ना, जीवन में कोई बीमार नहीं पड़ेगा, जीवन में कोई भी बीमार में नहीं पड़ोगे। इसलिए भैया हमारे ऋषि मुनियों ने जो जो बात बता कर गए उसको साधारण मत समझना, ये सबके सब साइंस है, ठीक है ना। इसलिए सबके सब पीछे पीछे हाथों में ताली बजाते हुए कीर्तन करो, सारे बीमारी से मुक्त हो जाओगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे देवताओं को कथा सुनने के लिए स्वर्ग त्याग देना पड़ता है।
ब्रह्मा जी को कथा सुनने के लिए ब्रह्मलोक को त्याग देना पड़ता है, शंकर जी को कथा सुनने के लिए शिवलोक को त्याग देना पड़ता है, गौरव जी को कथा सुनने के लिए उन्हें वैकुंठ त्याग देना पड़ा। आप लोगों को बताओ, नोएडा के भक्त लोगों को त्याग देना पड़ा, बताओ, अपने घर बार छोड़े, कुछ भी नहीं छोड़े, तथा गंगा स्वयं वृंदावन से बहते बहते आपकी घर को सामने आ गए और हम घर में बैठी बैठी करके कथा गंगा ने नहाती है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रही है कथा नहीं है, तो ये कथा क्या है? बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत जब संयुतम। कहते हम लोग कथा नहीं सुन रहे हैं, बोले कहाँ पर बैठे हैं? बोले कल्प वृक्ष के नीचे बैठे। बोले भैया कल्प वृक्ष कहते हैं किसको? बोले कल्प वृक्ष उसे कहते हैं जो मांगो आपको वही मिल जाएगी, जो मांगो आपको वही मिल जाएगी। इसलिए पद्म पुराण में बताए, ध्यान दे कृष्ण, पद्म पुराण में बताए जो निर्धन है भागवत उसको धन देना पड़ता है, जो रोगी है भागवत उसको निरोगता प्रदान करने वाली, जो दुखी है भागवत उसको सुख प्रदान करने वाली, और जिसको भगवान की प्रेम की जरूरत है भक्ति की, भागवत उसको भक्ति देने वाली, और जिसको भगवान के धाम चाहिए कि उसको भगवान धाम भी देने वाली है भागवत कथा। इसलिए हम कथा नहीं सुन रहे हैं, हम लोग सबके सब कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हैं, लेकिन एक नियम है, बोले कब ये भागवत हमारी इच्छा को कब पूरी करेगी? लेकिन जब कथा सुनेंगे, जब हम कथा को ध्यान से सुनेंगे, ऐसे नहीं आए बैठे बीच में भाग गए, ऐसे नहीं कथा को बीच में आए, नहीं तो जब कथा समाप्त तो होने जा रही है तब भी आए नहीं, कथा नियम से सुनना पड़ेगा। जैसे सिर्फ परिचित ने सुना है, जैसे धुंधुकारी ने सुनी है, जैसे सोनोकाल ऋषियों ने सुने हैं, इसलिए कथा को ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी ये कथा आप स्वयं देख लेना। मैंने तो बहुत सारी जगह पर हमने देखा है, जिसको 25, 30, 40 साल तक बच्चे नहीं थे, उनने जीवन में सब कुछ कर लिया, लेकिन भागवत जब कथा सुनना नियम से हमने देखा, उनको पुत्र जन्म हुआ, पुत्र जन्म उनको संसार में संतति प्राप्त हुई। इसलिए जीवन में जो, इसलिए भगवान का नाम ईश्वर है ना, ईश्वर मतलब क्या है? जो असंभव को जो संभव कर सकते हैं। ये भागवत कथा नहीं, ये स्वयं जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण हैं। इसलिए अगर ठीक ठीक से कथा सुने तो आपका जीवन में सब कुछ, आपको जीवन में सब कुछ ये भागवत देने वाले। श्रीमद भागवत कथा वृंदावन की। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को कहते हैं, देखो पार्वती को क्या कहते हैं, बोले सत संगति सब गंतव्य एक हुआ। अगर जीवन में एक निमिष
जिसको गोस्वामी जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से पूरी आध तुलसी सतसंगत में नासे कोटि अपराध। अगर थोड़ी समय अगर जीवन में सत्संग कथा सुनने जाए जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए पार्वती ये भागवत कथा सत्संग दुर्लभ है। देखो पार्वती क्या कहती है, बोले प्रभु दुर्लभ क्या देखो सुलभ हो रही ना। हमारे प्रभु जी क्या नाम आता है, नाम क्या राव। देखो ये तीन लोग कमेटी के लोग सब मिलकर भागवत कथा रखे कि नहीं। मैंने देखा जगह जगह पर उन्होंने बैनर भी लगाया है, बोर्ड भी लगाया, कथा हो रही है, सबके सब कथा सुनने के लिए आओ। शंकर जी कहते प्रभु आप कहते हो ये दुर्लभ, ये दुर्लभ कहीं सुलभ हो रहा है, देखो कथा सुनने को मिल रहा है कि नहीं। लेकिन शंकर जी क्या कहते देखो, मतलब शंकर पार्वती आप यही सरल अति कठिनाई राम कृपा भी हो आए मिल जाए। पार्वती सब करेंगे लेकिन यहाँ पर सहज में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। पार्वती जितना बैनर जितना पापड़ सबा कोई नहीं आएगा है, कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर इसको पता चले यहाँ पर शाहरुख खान आ रहा है, हेमा मालिनी आ रही है, ऐश्वर्या राय यहाँ पर आएगी, यहाँ पर अमिताभ बच्चन आएगा, बताओ यहाँ पर जगह होगी? अब बोलो जगह होगी? टिकट अगर 1000-2000 रुपए की टिकट भी बना दो ना, टिकट भी मिलता नहीं है कि नहीं, सही है कि नहीं। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आप अगर यही सरल अति कठिनाई लोग हजार बहाने बाजा बजा बहानेबाजी बनाएंगे, ये काम पड़ गया था, ये काम पड़ गया था, नहीं होगा। लेकिन ये लोग सब आएगा कोई बहाना बनाएंगे, हजार काम को पीछे छोड़ देगा। तब पार्वती कहती है ध्यान देकर सुनेगा बड़ी अच्छी कथा। पार्वती फिर प्रश्न करती है तो फिर प्रभु ये भागवत कथा में कौन कौन आते हैं, ये कथा में कौन कौन आ सकते हैं, कौन कौन आते हैं? शंकर जी कहते हैं अति हरि कृपा जा पर होई पाप देही लिया संत दसो। हे पार्वती भगवान की दो तरह का कृपा है, एक डायरेक्ट कृपा एक इनडायरेक्ट कृपा है। लेकिन हे पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर जी की जगन्नाथ जी की डायरेक्ट कृपा हो गई ना, हे पार्वती वही लोग ही ये भागवत कथा में आ सकते हैं, वही व्यक्ति ये कथा में आ सकते, सभी नहीं आ सकते। पार्वती उदाहरण देकर समझाए, जैसे आपके घर में कोई शादी हो रही है, अगर वो शादी में कौन आएगा जिसको निमंत्रण दोगे, भले वो विदेश में अमेरिका में लंदन फ्रांस विदेश में हो, अगर ये अपने नौका भेजा होगा ना निमंत्रण दिया होगा ना वहां से आएगा। लेकिन आपके घर को सामने कोई व्यक्ति नौ दीवार का इंची के पास में कोई व्यक्ति अगर आपने वहां नौका नहीं किया निमंत्रण नहीं किया वो आएगा कि नहीं, बोलो बताओ वो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्यों? आपको नौका नहीं किया है। लेकिन इतने दूर में रहने पर भी आएगा कि नौका किया। शंकर जी कहते पार्वती ये कथा में वही आ सकती है जिसको जगन्नाथ जी ने नौका दिया, जिसको जगन्नाथ जी ने निमंत्रण दिया है भैया आओ कथा में सुनने के लिए आओ। तो चौदह उदाहरण दिया है, जब भगवान कृष्ण वृंदावन में बंसी पट्टे को नीचे भगवान जो बंसी बजा रही ब्रज में कितने लोग थे, उनके सखा लोग भी थे, उनके पिता माता भी थे, हैं सबके सब थे, वहां गोपियां भी थी है। लेकिन जब भगवान ने बंसुरी बजाई आप बताओ रासलीला में कौन कौन आए हैं, कौन आए बोलो जोर से, गोपियां आई है। इसलिए कहते हैं भगवान की जो बंसुरी है ना वो दो तरह के बताए, कहते एक तो सर्वभूत मनोहर और एक गोपीभूत मनोहर। मतलब है जब भगवान चाहते हैं ये बंसुरी की आवाज सबके सब सुने उसी समय में बंसुरी की आवाज दुनिया सुनता है। लेकिन जब कृष्ण चाहते हैं ये बंसुरी की आवाज केवल मेरी गोपियां ही सुने, इसलिए बंसुरी बैठे तो नीचे जब कृष्ण बंसुरी की तान चढ़ी वो जो बंसुरी की आवाज थी ना वो सर्वभूत मनोहर नहीं थी, वो केवल गोपीभूत मनोहर थी, केवल गोपियों को बुला रही थी। इसलिए गोपियों ने ही सारे काम धाम छोड़ के गोपियों ने केवल आई। लेकिन जब आई ना ठाकुर जी क्या कहते हैं, स्वागतम मे महाभागा, भगवान कृष्ण स्वागत करते हैं।
यहाँ पर कहते हैं हमारे टीकाकार भागवत पढ़ रहे थे ना, ये जो स्वागत शब्द ठाकुर के उन्होंने दो बार प्रयोग किया है, केवल सुखदेव गोस्वामी ये स्वागत शब्द केवल दो बार प्रयोग किया, इसके लिए प्रयोग किया जानते हो, एक बार तो गोपियों के लिए प्रयोग किया, क्योंकि इन लोग ने जब भगवान बंसुरी बजाई कोई पति को भोजन करा रहे थे उसी समय में छोड़ करके आ गई, कोई बच्चे को दूध पिला रहे थे उसी समय में छोड़ करके आ गई, कोई पति की सेवा कर रहे थे उसी समय में छोड़ करके आ गई, कोई एक हाथ में कागल काजल लगाई दूसरे हाथ में लगा दी जा रही थी वहीं पर छोड़ करके आ गई, कोई आधा कपड़ा पहनी हुई थी बंसुरी की आवाज पर तो वहीं छोड़ दी, उन्होंने सब कुछ परित्याग करके सत्य सब कृष्ण के पास में आए, इसलिए भगवान ने उनको स्वागत किया। दूसरा बार कब स्वागत की, जब कृष्ण सखाओं को साथ में गोचारण करते करते वो भाद्र अवतीर्ण हुए, जब उन्होंने भाद्र में पहुंचे वहां पर सखाओं ने बोले कहीं आप पेट में चूहे पुर रहे बड़ी भूख लग रहा है, कोई भोजन की व्यवस्था करोगे, बोले कोई चिंता मत कर जाओ पास में ये बड़े बड़े त्रिवेदी चतुर्वेदी द्विवेदी बड़े बड़े ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उनसे भोजन मांग कर लाओ, कृष्ण और बलराम का नाम ले गए। लेकिन जब वहां पर गए ना उन लोगों ने जोर जोर से करके बोले यहाँ पर स्वयं कृष्ण जगन्नाथ जी बलदेव प्रभुराज, कृष्ण बोले जगन्नाथ बलदेव है, बोले यहाँ पर जगन्नाथ जी और बलदेव प्रभु आए हैं गोचारण करते करते भूखे हैं आपसे भोजन मंगवाए, लेकिन वो सुन करके भी अनसुने कर दिया, सुने ही नहीं, बड़े दुखी होकर के वापस आए, बोले कृष्ण तू बोल रहे थे कि तुम्हारे नाम सुन करके भोजन देंगे, लेकिन तुम्हारे नाम सुन कर तो अनसुना कर दिए, बोले कोई चिंता मत करो एक काम करो, बोले क्या करे, बोले उनको पत्नी को पास ले जाओ, उनके पत्नियों का पास ले जाओ, बोले कभी यहाँ ये त्रिवेदी चतुर्वेदी द्विवेदी जानते हो क्या, जो दो वेद को जानने वाले तीन चतुर्वेद को जानने वाले सार वेद वेदांत को जानने वाले बड़े बड़े ब्राह्मण है, बोले जब ये लोग नहीं समझे जो स्त्रियां अपवित्र रहने वाली जिनकी जन्म संस्कार नहीं जिनको वेद में भी अधिकार नहीं ये तुम्हारी भक्ति क्या समझेंगे, भगवान ने कहा देखो जो भक्ति है ना ये जात पात पूछे ना कोई हरि का भजा सो हरी का होई, ये भक्ति ऐसे नहीं ज्यादा लिखे पड़े होने पर ही समझ में आएगी, जो अनपढ़ को समझ में नहीं आएगी, जो भक्ति का जो प्रीति है वो हृदय की कोमल स्वभाव भक्ति का प्रीति है, भगवान ये विद्वान को नहीं देखते विद्वता को नहीं देखते हैं, कितना भाव गाही जनार्दन भगवान केवल भाव को देखते हैं, इसलिए सूरदास जी एक बड़े सुंदर भजन गाए गए सबसे उचित देव
और ठाकुर जी को कृपा मिली, उनको ठाकुर जी का आशीर्वाद मिले, और जो बड़े बड़े ब्राह्मण लोग थे ना, इन लोगों ने अपना जीवन को धिकार दिया है। हमारे चार वेद पढ़ना, दो वेद पढ़ना बेकार है। जो अपवित्र और जिनकी जनेऊ संस्कार नहीं हुई, देखो वेद का फल क्या है, भगवान के चरण भक्ति, ठाकुर जी के चरण में प्रेम ही वेद का फल है। ढाई अक्षर प्रेम सो पढ़ा सो पंडित सोई। देखो इनको साक्षात कृष्ण दर्शन मिला, हम वंचित हो गए, और इन लोगों ने उनकी चरण पूजा की, स्त्रियों का चरण पूजा की, तुम लोग धन्य हो गई हो, कृष्ण के लिए भजन देखे हो। इसलिए तात्पर्य है, जो व्यक्ति कथा सुनने के लिए आते हैं ना, भगवान उनका स्वागत करते हैं। सभी के घर में कुछ ना कुछ काम, ऐसे नहीं इसके घर में कोई काम नहीं, सबके घर में कुछ ना कुछ काम है, लेकिन आप लोगों ने सबको पीछे करके जो कथा सुनने के लिए आए, आपको जगन्नाथ जी स्वागत करते हैं। ताली बजाओ जोर से, हम लोग जगन्नाथ जी आपको स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ पीछे करके ठाकुर की कथा सुनने के लिए आप लोग आए हैं। इसलिए समझो हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, क्योंकि ये 7 दिन तक हम लोग ये श्रीमद भागवत कथा सुन रहे हैं। कितने समय तक कथा करें, 9:30 ठीक है। हरे कृष्णा, हरे गोविंद। आप लोग आज हम लोग कथा की महिमाएं सुनेंगे। आप लोग बोलोगे भैया कथा सुनने से क्या मिलेगा, हम क्यों यहाँ पर दो दो तीन तीन घंटा क्यों बैठे। अगर ये समय को अगर हम और कहीं लगाते हैं तो हमें कुछ उतना फायदा होता, लेकिन यहाँ पर दो दो तीन तीन घंटा क्यों बैठेंगे, क्या मिलेगा। तब राधा रानी कहती हैं, ये कथा से तुम्हें जितने प्रॉफिट, जितने कथा से तुम्हें फायदा मंद होने वाले जगत में, और किसी को द्वारा भी तुम्हें इतने लाभ होने वाले नहीं, सबसे ज्यादा लाभ होगा कथा से। तब राधा रानी खुद कहती हैं, ये कथा जो सुनेगा उसको 7 फायदा होगा। कितना लाभ होगा बोलो, अरे बोलो जोर से, 8। आज मैं बोलूंगा आपका लाभ से सुनो, और जो बोर्ड देगा ना मैं कल उसको इनाम दूंगा। ये राधा रानी खुद कह रही है, बोले कब कह रही है, बोले जब रास ठाकुर जी की हो रही थी, वे रासों से जब भगवान कृष्ण अंदर ध्यान हो गए, और गोपियों ने कन्हैया को ढूंढते ढूंढते जब मिले नहीं, ये गोपियों ने जमुना किनारे में बैठी, जमुना किनारे में बैठी करके बोले देखो ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, मत भक्ता जत्र गायत्री तत्र तिष्ठा नारद। जब नारद जी भगवान से पूछे ठाकुर जी आप कहाँ रहते हो, ठाकुर स्वयं कहते हैं बोले ना अहम बसामि वैकुंठे। दुनिया कहता मैं वैकुंठ में रहता, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। दुनिया कहता मैं योगियों का हृदय में रहता हूँ, मैं नहीं रहता हूँ। बोले प्रभु फिर आप कहाँ रहते हो, बोले मैं एक जगह पर रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त जन मेरे कीर्तन करते वही रहता हूँ, मेरी कथा सुन रहे हैं वही रहता हूँ। इसके गोपियों ने कहा चलो हम जमुना किनारे में बैठ करके ठाकुर का कीर्तन करेंगे, जिसको कहते गोपी गीत। ये गोपी गीत को गाते गाते एक श्लोक है, ये कथा सुनने का क्या लाभ है। राधा रानी खुद कहते 7 लाभ, क्या कहती है, भले तब कथा अमृता ठीक है। मन देकर सुना, कथा सुनने का पहला लाभ है
गोपियां कहती है श्याम सुंदर तुम्हारी कथा नहीं, ये अमृत है, ये अमृत है, ये कथा को जो पान करेगा उसको अमृत की प्राप्ति होगी। इसलिए भागवत का एक नाम है अमर कथा। क्या कथा है? जोर से बोलो, अमर कथा है। आप सब कथा तो बहुत सुने होंगे, ये कथा शंकर जी पार्वती को अमरनाथ में सुनाई थी, इसलिए ये कथा का नाम अमर कथा नाम है। बोले क्यों सुनाए थे? बोले कारण है, बोले एक समय शंकर जी कहीं सत्संग में गए हुए थे, इतने में पार्वती श्री नारद जी पहुंचे कैलाश में। आपको पता है नारद जी का जगत में बड़ा बदनाम है, हम कहते ना भैया तो क्या नारद जी का काम कर रहे, मतलब लड़ाई लगा रहे, ऐसे नहीं। नारद जी के बगैर ठाकुर को लिखाई नहीं मिलेगा, ये नारद जी भगवान के सबसे बड़े भक्त है। रामायण देखो, भागवत देखो, जितना आप देखो उसका मूल नारद जी हो गए हैं। इसलिए नारद जी ये भागवत ग्रंथ को प्रकाश करने के लिए पहुंचे कभी कैलाश में। शंकर जी बाहर गए हुए थे, वहां माँ पार्वती थी, नारद जी को बड़ी सेवा पूजा की, क्योंकि नारद उनको गुरु है, नारद जी गुरु है, इसलिए उनको सेवा पूजा को की। इतने में नारद जी पूछे, बोले माता जी से कुशल मंगल हो? बोले बेटा तुम्हारी आशीर्वाद से सब कुशल मंगल। बोले कैसे कुशल मंगल हो? बोले देखो जिसको पति जगत में प्रेम करता है ना, जगत को सबसे बातें होती, इसलिए शंकर जी मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। बोले कैसे? बोले बाहर से जब ये कथा सुन करके आते हैं सत्संग, ये मेरे को शंकर जी सुनाते हैं। इसलिए देखना जितने पुराण आप पढ़ोगे ये शंकर पार्वती का संभाव, सारे पुराण शंकर पार्वती का संभाव। लेकिन नारद जी इतने में बोल दिए, बोले हाँ पार्वती सही कहते हो, लेकिन शंकर जी की मैं ऊपर ऊपर से प्रेम करते हैं, लेकिन अंदर अंदर से तुमको प्रेम नहीं करते हैं, अंदर अंदर से तुमको प्रेम नहीं करते हैं। बोले नारद जी आगे मत बढ़ा कर, मैंने सुनी है आप जहाँ जाते हो तो लड़ाई लगा देते हो, झगड़ा करा देते हो, आप तो बड़े प्रेम से रह रहे हैं। बोले माँ तुमको सही बता रहा हूँ मैं, आपको बताए शंकर जी के अंदर अंदर में और भी कुछ और भी किसको प्रेम करने वाले शंकर जी, शंकर जी अंदर अंदर से और भी जिसको प्रेम करते हैं दूसरे पत्नी है। देखो माता है ना सब चीज को सहन कर ले, लेकिन अगर पता चले उसको पति और किस स्त्री को प्रेम करता है, माता सहन कर पाएगी? आप बताओ सहन कर पाएगी? बता नहीं कर सकती है। देखना घर में जितनी समस्या को सहन कर लेगी, लेकिन पति अगर और किसको प्रेम करता है पत्नी कभी भी सहन नहीं कर सकती है। पार्वती सुनकर दिमाग था, बोले इसका प्रमाण क्या? बोले प्रमाण आज हो जाए। बोले कैसे? बोले शंकर जी जब आए एक काम करो तो मान भवन में ले जाओ, शंकर जी जब आए केवल एक ही प्रश्न कर लेना हमको पता चल जाएगा। बोले क्या प्रश्न? देखना हम तो गले में एक मुंड की माला देखेंगे नहीं? बोले हाँ। बोले पूछ लेना कि मुंड की माला किस से पता चल जाएगा। इतना बोले और नारद जी गायब चले गए। जब चले गए इतने में शंकर जब घर में आए, माता पार्वती चरण धोती थी, चरणामृत लेती थी, पास में बैठा करती, गरम गरम रोटी सब्जी खिलाया करती थी, पंखा झुलाया करती थी, आरती उतारती थी। लेकिन जब आज शंकर जी आए कोई स्वागत करने के लिए नहीं, उन्होंने पूछा भैया माता जी कहाँ है? बोले ये नारद जी पता नहीं क्या बोल करके गए उसको, बाद में तो माता जी मान भवन में चली गई, मान लिए समझ गए कुछ गड़बड़ी है। और जब शंकर गए पार्वती को ऐसे हाथ रखे ना, पार्वती का हाथ को फेंक दिया। बोले पहले तो मैं सोच रही थी आप भोले बाबा, अभी मेरे को पता चला आपको बड़े कपटी बाबा हो। बोले कपटी बाबा कैसे? बोले मैंने सुना आप और भी इसको प्रेम करते हो, अंदर अंदर में और भी आपकी कोई प्यारी है प्रेम करने वाले। बोले नहीं। बोले नहीं मेरे को पता है। बोले प्रमाण किया? बोले आप बताओ आपकी गले में मुंडे की माला किसे? बोलो शंकर तो चक्कर में पड़ गई। बोले देखो पार्वती मैं और तो इसको प्रेम करता हूँ, लेकिन तेरे को बोले कैसे? बोले पूर्व जन्म में तू सती थी, पूर्व जन्म में तू सती थी और तुमको सती थी और तुमने कंथल में तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने मेरे को अपमान किया, अपमान करने का वजह से तुमने अपना शरीर को त्याग कंथल में दिया। अब देखे होंगे कह रहे होंगे इसलिए एक जन्म नहीं
तुमने कितने जन्म से इस शरीर को तुम त्याग दे दिए, चूंकि तुम्हारी बड़ी प्यारी हो इसलिए जब जब तुम शरीर त्याग देती हो तुम्हारे जो मुंडक और सर को मैंने माला रूप में खो करके गले में धारण कर लेता। पार्वती बोले प्रभु मैं तो सोच रही थी आप तो छोटी मोटी कपटी होगी, अभी पता चला आप तो बहुत बड़ी कपटी निकले। बोले कैसे? बोले आप ये बताओ कैसे कौन सा अमर बोटी को आपने पान किया, मर भी रहे हो अब मैं मरती जा रही हूँ, आप बताओ इसे कौन सा अमर बोटी को पान किया। शंकर जी ने कहा पार्वती जब से मैंने ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमर बोटी को मैंने पान किया तब से मैंने ये अमरत्व को मैंने प्राप्त किया। बोले प्रभु जी मेरे को भी सुना दो, मैं मरती जा रही हूँ मर ही रही हूँ, मैं भी अमर बन जाऊंगी आप भी अमर बन जाओगे, दोनों बड़े आराम से रहेंगे। बोले पार्वती जहां था नहीं सुना सकते। बोले कहाँ सुनाओगे? बोले चलो अमरनाथ में वहीं पर सुनाए। तब उन्होंने पार्वती को लेकर के अमरनाथ में, बोले देखो पार्वती मैं कथा जब सुनाऊंगा आंख बंद करके सुनाऊंगा तो हुंकार भर के रहना। बोले कोई कोई बात नहीं। तब शंकर जी कथा सुनाना प्रारंभ किए, तब उन्होंने जयकार दिए बोले श्रीमद भागवत कथा वृंदम की। पीछे वाले लोग कोई बोल नहीं रहे, बाबा प्रसाद तैयारी है ना, प्रसाद समझते हैं अच्छी नहीं। हाँ भैया सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था, इसलिए जोर से जाएगा तो भूख लग गया तो प्रसाद मान पाएगा। जोर से बोलो बोले श्रीमद भागवत कथा वृंदम की। शंकर जी कथा प्रारंभ किया, कथा प्रारंभ करते करते लास्ट में जब उन्हें संसार से कैसे पार होगा, जब उन्हें ज्ञान की बात को सुनाने आरंभ की, माता पार्वती के बीच में सो गई, इतने में शंकर जी का कथा बंद करते गए, उसी वृक्ष के ऊपर में एक तोता भी बैठ कर कथा सुन रहा था। उसने देखा शंकर जी का कथा सुना बंद कर देंगे, माता जी सो गई हुंकार बंद हो गई, उन्होंने भी हुंकार भरना शुरू किया। आगे की बात बताओ भाई, प्यारी कथा है बड़ी अच्छी कथा। शंकर तो भोले बाबा को सुनाते सुनाते जा रहे थे, लेकिन जब कथा विश्राम हो गई ना फिर शंकर जी ब्रश वृंदावन बिहारी लाल की। जब फिर जयकार दिया भैया नींद खुल गई, बोले उसको बाद में क्या हुआ? बोले किसको बाद में, कथा तो विश्राम हो गई। बोले नहीं मैं बीच में सो गई थी। बोले सो भी सही थी, अभी तो हुंकार भर रही थी। बोले नहीं मैं सो गई थी। शंकर जी ने देखा ये अमर कथा है, ये कथा को जो सुनेगा वो अमरत्व की प्राप्ति करेगी, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अगर ये कथा सुन दिया तो जगत के लिए हानिकारक है। शंकर जी ने देखा ये ब्रह्म ज्ञान को किसने चोरी करके सुना, पेड़ को एक तोता बैठ के कथा सुना। इतने में शंकर जी इसको पीछा की तो वो उड़ते जाए, कहीं भी शंकर जी पीछा नहीं छोड़ रहे। जब पहुंचे गद्दी का आश्रम पर, वहां पर व्यास देव भी यही भागवत कथा में अपना पत्नी बीटका को भी सुना रहे। अरे माता बीटका जैसे कभी कथा सुनते ना मुंह खोल करके, वो भी ऐसे कथा सुन रही थी। इतने में तोता ने सूक्ष्म रूप का धारण करते हुए माता की गर्भों को अंदर में प्रवेश कर गए। जब शंकर जी हाँफते हुए वहां पर पहुंचे, प्यार से उसने पूछे प्रभु कहाँ से हाँफते हाँफते आ रहे हो, सारा शरीर से पसीना पसीना बह रहा है। बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले एक तोता ने ये अमर कथा सुन ली है। बोले भैया ये अमर कथा का तात्पर्य क्या? बोले जो सुनेगा वो अमरत्व को प्राप्त करेगा। बोले सचमुच से आप भोले ही हो, सचमुच से आप भोले हो, आप बताओ ये तोता ने अमर कथा सुनी कि नहीं? बोले सुनी। बोले जब उसने अमर कथा सुनी तो वो अमर हो गया। बोले मारने के लिए पीछा किसे कर रहे? शंकर जी बोले भैया अभी तक तो याद नहीं था। फिर शंकर जी ने देखा अगर ये तोता कोई साधारण होता तो ये कभी कथा नहीं सुन सकता, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले जन्मांतर ही व्यक्ति कथा में बैठ सकता है जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य हो।
प्रज्ञा संशय होने पर तभी कथा किसको अच्छी लग सकती है, हैं? शब्द अच्छी नहीं लगेगी ना तीन कथा। आप देखना टीवी देखते हो, सिनेमा देखते कि नहीं देखते हैं, ये सिनेमा क्या देता, ये झूठ मूठ का चीज को एक रूपक बना दिया, यही है ना, एक झूठे चीज को एक रूपक बना करके सिनेमा बना दी, यही है ना। एक हीरो हीरोइन को पीछे भाग रहा है और जितने पिता माता बैठ करके एक साथ में देख रहे हैं, जितने उल्टी पुलटी तीन तीन घंटा देख लेते नहीं, जिसका फल सीता डर गए और कुछ नहीं, गभी नहीं जीते हैं। चरित्र भ्रष्टों का, चरित्र भ्रष्ट वालों का सब दिखाने वाले वहां पर देखना तीन तीन घंटा बैठ, लेकिन कथा में नहीं बैठ सकते। जिस कथा को स्वयं शंकर जी का आदमी को सुना रहे हैं, शंकर जी स्वयं कहते हैं ये कथा सुन करके ही मैंने अमर पति प्राप्ति की। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होने पर जब कोई कथा को सुन सकते हैं। इसलिए शंकर जी ने देखा भैया ये तोता कौन है, जब यहाँ पर बैठ कर कथा सुन जब ध्यान लगाया अपना ध्यान से उन्होंने सब कुछ देख लिया, लिखिया देखा है बोले प्रिया सुख श्री पवित्र चंचो प्रिय जो बोलो तो वृंदावन में राधा रानी के निकुंज में महल में रहने वाले जिसको राधा रानी हाथ में बैठा करके अनार के दाना खिलाया करती थी, कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी, कभी कभी राधा रानी ये तोते को चुंबक करती थी कृष्ण मान करके, जिसके जिसके ठोंट में राधा रानी की अधरा मृत लगा हुआ है। इसलिए कल हम सुनेंगे जहाँ पर 88,000 ऋषि बैठे हुए, 100, 200, 500, 1000 साल की इतने बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए, लेकिन जो कथा किससे सुने, नंगे घर के कपड़े है नहीं, 15-16 साल के बच्चे 12 साल के बच्चे श्री सुखदेव गोस्वामी से सुने, बोले क्यों वहां पर इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, कहते भैया ये सुखदेव गोस्वामी साधारण नहीं, ये राधा रानी के निकुंज महल में रहने वाले, राधा रानी का भ्रामृत जिनके ठोंट पर लगा हुआ है, राधा रानी जिनको बड़े लाड़ लड़ाया करती थी प्रेम करती थी, ये सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण नहीं। अरे सुखदेव कौन है, ये बोलो तो वृंदावन से आए। इसलिए भागवत में पढ़ करके देखो श्री सुख उवाच, श्री सुख श्री मतलब श्री राधा रानी, ये राधा रानी के पालता हुआ तोता श्री सुखदेव गोस्वामी। इसलिए जैसे भगवान राम जब अयोध्या छोड़ कर गए, संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर गए, लेकिन एक व्यक्ति को लिया नहीं, बता सकते हो किसको लेकर नहीं, अरे बोलो चुपके से हो गए हो, अरे बोलो सबको भगवान राम लेकर गए किसको लेकर नहीं गए, हाँ पिताजी ताली बजाओ के श्री हनुमान जी को लेकर नहीं गए, बोले क्यों, बोले हनुमान जी अगर तुम चले जाओगे फिर राम भक्ति को जगत में कौन प्रचार करेगा, इसलिए हनुमान को छोड़ कर गए। उसी तरह जब ठाकुर जी प्रिया प्रियतम जब चले गए किसको छोड़ कर गए, ये तोते को छोड़ कर गए, बोला अगर तू चला जाओगे तुमने तो कथा सुनी ना, सारी कथा तो तुमने सुनी है, पर हमारे भक्ति को जगत में कौन प्रचार करेगा, इसलिए उन्होंने ये तोते को छोड़ कर गए। इसलिए शंकर जी ने सब चीज को उन्होंने अपना ध्यान से देख लिया, यही तोता ही श्री सुखदेव गोस्वामी बन करके आएंगे और जगत में हरि भक्ति को भागवत को जगत में प्रचार करेंगे। शंकर जी ने देखा कथा सुनाना हमारी धन्य हो गया, कथा सुनाना मेरी सार्थक कथा हो गया, क्यों, जब भविष्य में जगत में भगवत भक्ति को प्रचार करने वाले सुखदेव गोस्वामी। इसलिए देखो ध्यान देकर सुना, ये शंकर जी स्वयं पार्वती को कहते हैं ये भागवत कथा सुन करके मैं स्वयं अमरत्व को प्राप्त किया। शंकर जी कौन है, सत्यम शिवम सुंदर योगी योगी महायोगी देवदेव देवदेव ये स्वयं कहते हैं, तुम्हारी और हमारी बात छोड़ दो, शंकर जी स्वयं कहते पार्वती ये कथा सुन करके मैं अमरत्व प्राप्त की। लेकिन जब शंकर जी को पार्वती ने यह अमर कथा सुनाई
तब से माता पार्वती और विसर्जित हो चुकी, उसको पहले सर्जन छोड़िए। देखो हम भी ये पहले थे महाराज के सुखदेव गोस्वामी, क्या बोले जब श्री गिरीश ने अभिशाप दी को सप्तम दिवस में कक्ष का दर्शन करेगा, उन्होंने क्या बोले, बोले परीक्षित तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कोई यज्ञ दान पुण्य कुछ भी करने का जरूरत नहीं, बैठो कर कथा सुनो। जब तक ये कथा श्रवण करते करते तुमको ये अनुभूति नहीं हो गई, तुम भगवान के धाम में पहुंच नहीं गए, तब तक मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और सचमुच से उन्होंने कथा सुनते सुनते वो लोग वृंदावन से विमान आया और परीक्षित महाराज बड़ी सुंदर एक सखी रूप धारण करते हुए शिव भाव में वो लोग वृंदावन चले गए, वो लोग वृंदावन चले गए परीक्षित महाराज। इसलिए कथा सुनने का पहला लाभ है अमरत्व प्राप्त करोगे। देखो जिन जिनियों ने कथा सुनी है, देखो भागवत में इनके नाम है, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद, ध्रुव, मीराबाई, तुलसीदास, देखो इन्हीं का नाम अमर हो गया कि नहीं। इसलिए बनना चाहते हो ना बलियों के लिए, अभी का जो यंग स्टार है ना, इनके मन में बड़ी तमन्ना है हम सबके सब बलियों में हीरो हीरो बनेंगे। अब तक सुशांत था कि नहीं हीरो, अभी गया था श्रीदेव थी कि नहीं गई कहा, 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन गई कहा सबके सब भैया। जगत में जितने बड़े से बड़े पोस्ट है ना, अब ये सब मोदी कितने साल के लिए और 2 साल के लिए, जैसे यहाँ पर केजरीवाल कितने दिन के लिए, 4-5 साल के लिए। अगर दूसरा कोई आ जाएगा तो कोई पूछेगा, कोई नहीं पूछने वाले। लेकिन हीरो बने तो हनुमान जैसे हीरो बने, गोपिया जैसे ध्रुव, प्रभात महाराज जैसे हीरो बने। अगर इसलिए महाप्रभु कहते हैं श्री राजा मन के संवाद में, अगर जगत में बड़ा बनना चाहते हो हीरो हीरोइन बन करके बड़ा मत बनो, भगवान की भक्त बन करके बड़े, भगवान की तुलसीदास जैसे हीरो बनना, हनुमान जैसे हीरो बनना। हनुमान कब आए थे, इतने करोड़ों साल पहले आए थे, अभी जगत में पूजा हो रही है। देखना राम की जगत में जितने पूजा है हनुमान से ज्यादा पूजा है कि नहीं। इसलिए भैया बड़ा बनना तो भगवान की भक्त बनकर प्राप्त, इसलिए कहते कथा सुनने का पहला लाभ है अमरत्व को प्राप्त करोगे। बोले दूसरा लाभ क्या है, बोले तप्त जीवन। कल मैं पूछूंगा ध्यान से सुनो, एक एक चीज को याद करना। तप्त जीवन, तप्त जीवन मतलब है हम संसार में सब दुखी है, सब दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई सास से, कोई ननद से दुखी, कोई पति से, कोई बेटा से, कोई बहू से दुखी है कि नहीं, कोई सास से, सब दुखी है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर कहते जो कथा सुनेगा ना उनको सारे दुख दूर हो जाएंगे। देखो इसका प्रमाण देख लो, साक्षात रूप में इसका प्रमाण देखो। जैसे यहाँ पर 2-3 घंटा तक आप बैठे हो, अभी बताओ घर का कोई कष्ट तुम्हें याद है, घर का कोई परेशानी तुम्हें याद किया है, अभी कोई याद नहीं। लेकिन जब तक ये कथा में बैठे रहोगे ना, कहते भैया जो कथा सुनते हैं कहाँ बैठे हो, साक्षात जगन्नाथ की गोद में बैठे हो, काके बिहार की गोद में यहाँ पर बैठे हो, कथा में नहीं ठाकुर की गोद में बैठे हो। इसलिए जब तक कथा में बैठे तब तक कोई तुम अपना सत्य नहीं है। लेकिन केवल एक गेट से बाहर निकलो, केवल गेट से बाहर निकलो, सारी दुनिया की जितने दूर है सारे पहाड़ जैसे सब पर बैठेगा। घर में जाने पर ये परेशानी, घर में ये दिक्कत, घर में ये लड़ाई, घर में ये झगड़ा। लेकिन अगर हर समय कथा में बैठे रहे तो सारी दुख खत्म हो जाएगी। इसलिए कहते तब तक जीवन, जो दुख हमारे जीवन है, तुम्हारा जो दुख में जीवन है ना, ये सब के सब तुम्हारी नष्ट हो जाएगा। हैं तप्त जीवन बोले कभी भी रीतम, बोले ये कथा को कौन दान करने वाले, बोले भैया जाओ, कहते कथा को साधारण व्यक्ति दान करने वाले नहीं, ये कथा को सर्वप्रथम कौन किसको सुनाए, ये कथा कहाँ से आए, साक्षात भगवान श्री बांके बिहारी ये कथा को ब्रह्मा जी मुख आए, चतुष्ट की मुख भगवान की मुंह से निकली। इसलिए जो भागवत शब्द है 3 अर्थ बताए, बोले भगवता नाम कथा प्रीति भागवत, भागवता नाम
कथा इति भागवत भगवत कथा इति भागवत का भगवत प्रोक्तम इति भागवत जो सबसे पहले भगवान के मुंह से निकली ये कथा है। ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी नारद जी को दिए, नारद जी व्यास को दिए, व्यास सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव शुद्ध गोस्वामी, ऐसे करते करते जगत करते जगत में ये कथा को आया है। इसलिए कहते जिन कथाओं को बड़े बड़े कवि लोग कान करने वाले बोले भैया चौथा लाल क्या बोले कलमस आपा जो कथा सुनेंगे ना उसका सारे पाप आपके दूर हो जाए। जितने दुख कष्ट का कारण प्रारंभ है पूर्व जन्म में जो कर्म किया उसके दुख कष्ट वो कर रहे हैं, लेकिन आप भागवत में कथा सुना जितने पाप है सारे पाप की कथा से सारे पाप तुम्हारे दूर हो जाएंगे केवल कथा श्रवण मात्र से। और जो पंचमा लाभ है श्रवण मंगलम कभी जो श्रीमद भागवत जो कथा सुनेगा कितना मंगल भवन अमंगल हरी जीवन का सारे अमंगल दूर हो जाएगा, जीवन में मंगल मंगलमय होगा। और इसका जो पंचमा लाभ है बोले श्री श्री मतलब क्या लक्ष्मी जो कथा सुनेगा ना घर में माँ लक्ष्मी की कृपा घर में पैसा भी आएगा तो लक्ष्मी कहाँ पर नारायण की चरण में तो लक्ष्मी जगन्नाथ जी की चरण में तो लक्ष्मी है। इसलिए जो कथा सुनेगा कथा रूप में ठाकुर जी है इसलिए जो कथा सुनेगा जगत में लक्ष्मी की भी लाभ होगी। श्री मतलब सौंदर्य श्री मतलब शोभा श्री मतलब जयकार है जय जयकार है जो कथा सुनेगा जगत में उसकी जय जयकार होगी। और इसका छठवा लाभ क्या बोले ता मतलब होता है जो कथा सुनेगा उसकी सारे संसार बंधन भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए श्री राधा रानी कहती है जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है कोई स्कूल खोल दे कोई कॉलेज खोल दे कोई हॉस्पिटल खोल दे कोई अन्न छत्र खोल दे बड़ा बड़ा दान है, लेकिन कहते जो व्यक्ति ये भागवत कथा को दान करते हैं जो व्यक्ति ये कथा को दान करते हैं उनसे जैसे दान जगत में कोई हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा दान ये भागवत दान है। इसलिए ये कथा सुनने से बड़ा लाभ आपको जो छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मेरे गुरु जी सुनाया करते ध्यान देकर सुना सब आवाज पीछे तक आ रही है कि नहीं भैया पीछे तक आवाज आ रही है ना ध्यान देकर सुना हमारे गुरु जी सुनाते थे अगर अनजान व्यक्ति का फट बैठे हमको पता नहीं कथा होता क्या होता लेकिन किसी तरह से हाँ सब बैठे हम भी बैठ गए ऐसे भी बैठ गए जिससे हमारे गुरु जी सुनाते थे। बोले एक समय कोई फेरी फेरी वाला था जो सर पर सामान को लेकर बेचता रहता है। पहले तो ऐसे होता था कोई एक फेरी वाला किसी गांव में पहुंचा देखा घर से बहुत दूर आ गया हूँ गांव में पूछा रात को यहाँ रुकना चाहता हूँ कोई व्यवस्था क्या है। बोले हाँ यहाँ पर भगवान की मंदिर है जाओ विश्राम करो। जब मुझे विश्राम करने के लिए गए तो गाँव में एक नियम था टीवी स्मार्टफोन होता नहीं था इसकी योगी नहीं थी सबके सब मंदिर में एकत्रित होते थे और ढोलकी मजिया लेकर के क्या करते थे बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय उसको पता है कि कथा तो बेकार ये टाइम पास करना वो तो रहेगी
इसकी कथा से कुछ मिलने वाले नहीं, इसलिए उन्होंने जो कथा सुनी वो भक्ति से नहीं सुना। हाँ सब सुन रहे हैं बैठ करके, बिल्कुल नींद आ रही है, पता नहीं ये कहाँ से बाबा आ गए कथा बोलना शुरू कर दिया। इसी भाव से उसने कथा सुनी, जब कथा सुनी, जब कथा के विश्राम हो गया उसने लेट गया। लेकिन कुछ दिन बाद में उसका मृत्यु हुई। जब मृत्यु हुई, जो हम कर्म करते हैं काय मान और वाक्य के द्वारा हम करते हैं कर्म करते हैं, इसलिए वहां पर तीन जंतु आए और उसको पकड़ करके ले गए कहां पर, जमपुरी में ले गए। जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाया, बल्कि ये बताओ उसका जीवन में कितने पाप और कितने पुण्य है, इसका कापी तुम खोलो। उसने कापी खोल कर तो बोले इसका कोई पुण्य है नहीं, क्योंकि जिंदगी भर झूठ मूठ बोल कर पैसा कमाया, अपना परिवार को मेंटेन किया, जीवन में कोई पुण्य नहीं। बोले भैया देखो तो सही, थोड़ी बहुत तो होगा पुण्य। हाँ थोड़ी सी पुण्य है, वो किसी गांव में पहुंचा था, वहां पर एक घंटा सत्संग सुना, कीर्तन सुनी, कितना पुण्य, और कोई पुण्य नहीं। अभी जो सुना है वो नेगलेक्ट भाव से, इसका तो कोई फल है नहीं, बेकार टाइम पास करना, भक्ति से नहीं सुनी है। बोले देख बेटा तुमने जिंदगी भर काम किया, नर्क जाओ, लेकिन तुमने एक घंटा तुमने सत्संग सुनी है वो भी नेगलेक्ट भाव से, इसलिए तेरे को तो भक्ति मिलती, लेकिन तुमने नेगलेक्ट भाव से सुना इसलिए तुमको एक घंटा स्वर्ग मिलेगा। बताओ दोनों में क्या लेना चाहते हो। तो उसने कहा भैया नर्क तो जाना ही है, मैंने सुना स्वर्ग बहुत बढ़िया जगह है। बोले भैया मेरे को एक घंटा स्वर्ग घुमा कर ले आ, मेरे नर्क में जाऊंगा। तब उन्हें जमदूत को बोले इसको ले जाओ स्वर्ग में, एक घंटा भोगा करके ले आ। जब उसको स्वर्ग में छोड़ दिया ना, चौकीदार से बोला ये हमारे आशा में, एक घंटा बाद में इसको वापस देना। जब स्वर्ग में गया वहाँ रम था उर्वशी, मैंने कहा नाम सुने कि नहीं, जानते हो कितना सुंदरी उदाहरण दिया है। ये जगत में जितने स्त्रियां हैं, ये सारे स्त्रियों की सौंदर्य को एकट कर लो, पृथ्वी पे जितने स्त्रियां हैं एकट करने पर स्वर्ग में एक उर्वशी रम था, मैंने कहा साधु करा लो, मतलब इतने सुंदर स्वर्ग की देवियां हैं, जहां पर अमृत नंदन कानन, यहाँ पर ईट पत्थर का बना हुआ, ये जवाहरात से बनी हुई है, यहाँ लाइट नहीं मणि से आलोकित होता है, सुधार न सभा पारिजात पुष्प नंदन कानन, उसको देख करके बोले कि कोई स्वप्न देख रहा हूँ ना, सचमुच से कहीं काम पर आ गया। लेकिन उसको पता है एक घंटा बाद में नरक जाना पड़ेगा। उसने सोचा देखता हूँ यहाँ पर क्या क्या हो रही है। उन्हें देखा एक तरफ पे कोई नहीं जा रही है, चारी तरफ पे भोग के सबके सब लगे हुए, बोले इधर कोई जा नहीं है क्या कारण है। जब उधर गया देखा बाहर गलवा, वहां पर कुछ सात्विक लोग बैठे हुए, और वहां पर भी चतुर्सन, वहां पर ब्रह्मा की चार मानस पुत्र, और वहां पर सत्संग हो रही है और भगवान की कथा हो रही है। उसको याद आया ये चित्रगुप्त तो कह रहा था मैंने कहीं एक घंटा कथा सुना सत्संग, इसलिए एक घंटा स्वर्ग मिला। भैया यहाँ पर भी सत्संग हो रहा है, अगर मैंने और एक घंटा सत्संग सुन लगा तो कितना घंटा स्वर्ग होगा, बोलो 2 घंटा हो जाएगा, इतने में स्वर्ग का भोग नहीं होगा। उसने सीधा बैठ गया सत्संग, बैठ करके उसने सबके सब बोलते वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वो भी जय जयकार करने लगे, वो भी कीर्तन करने लग गया। लेकिन उसको पता एक घंटा बाद नर्क जाना, लेकिन उसने देखा जब एक घंटा बीत गई ना, तो उसको कोई लेने के लिए नहीं आ रहा, उसको कोई लेने के लिए नहीं आ रहा है। वो समझ गया सत्संग का कुछ प्रभाव है, वो उठेगा क्या, जम करके बैठ गया, बोले यहाँ से उठना नहीं, उठते ही नर्क ले जाएंगे। लेकिन जब ले आए थे जंतु, वहां के जब चौकीदार को बोले, बोले भैया देखो हमारी आसामी कहाँ गया, एक घंटा हो गया, उसको लेकर गया आओ। जब उन लोगों ने ढूंढे वो गया कहा, देखो ध्यान देकर सुनो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बोले वो गया कहा, और ढूंढते ढूंढते देखा वो जहाँ सत्संग हरि कीर्तन हो रही है वो वहीं पर बैठा हुआ। और जो व्यक्ति ये सत्संग में हरि कीर्तन भागवत कथा सुन रहे हो, हम लोग कहाँ पर बैठे हो, जगन्नाथ जी की बांके बिहार की गोद में बैठे हो, गोद में बैठे कथा भी नहीं, ठाकुर की गोद में क्यों बैठे हो। वो लोग आए
लेकिन जब देखा सत्संग में बैठे हुए वापस चले गए, बोले भैया हम नहीं ला सकते, वो तो सत्संग में ठाकुर की कथा में बैठा हुआ, वो तो ठाकुर की गोद में बैठा हुआ, अगर उसको एक घंटा स्वर्ग तो स्वर्ग होगा ही नहीं, वो तो सीधा सत्संग में बैठा है, इसलिए उसको दो घंटा स्वर्ग हो गया, हम उसको नहीं ला सकते। बोले ये तो बड़ा चालाक निकला, वो दो घंटा खड़े रहे, लेकिन जब देखा उसको कोई लेने के लिए नहीं आ रहे ना, उठा ही नहीं हम उनसे, वो वहां बैठ गए और वो लोग दो घंटे चार घंटा करते करते लास्ट में वापस चले गए। लेकिन वो व्यक्ति क्या हुआ, देखो भागवत कहता है, बोले श्री कथा श्री कृष्ण कथा पुण्य श्रवण कीर्तन विदुर लटी सुवीर सता। जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनते हैं जैसे कानों से कथा सुन रहे हैं, ये कथा नहीं स्वयं काके भी ठाकुर जी कानों को माध्यम से हृदय में जा रहे हैं। उदाहरण देकर समझाए, जैसे आपका कोई एक प्यारा दोस्त अच्छे दोस्त हो तुम्हारे घर में आया, देखा वहां एक कुर्सी पड़ा हुआ, लेकिन कुर्सी में धूल जमा हुआ, वो ये नहीं बोलेगा दोस्त तो साफ कर मैं बैठूंगा, वो क्या करेगा अपना रुमाल को निकालेगा स्वयं साफ में बैठ जाएगा, क्योंकि बड़े प्यारा दोस्त हो तुम्हारा है। कहते जगत में सबसे प्यारे दोस्त हमारे कौन है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें 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 विद्या द्रव्य तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव देव। ठाकुर जगत में सबसे प्रिय दोस्त हमारे ठाकुर जी, जब कथा को सुनेंगे तो कान को माध्यम से हृदय में जाएंगे, अगर हृदय में कोई काम क्रोध लोप होना ठाकुर जी क्या करेंगे रुमाल से साफ करके अपना हृदय में बैठ जाएंगे। कथा सुनते सुनते उसका हृदय निर्मल हो गया और वहीं से वैकुंठ से रथ आ गया और सीधा बैठ करके ठाकुर जी के पास में चले गए और जब दूत वहीं से वापस चला है। देखो अगर अनजान में कथा सुनकर इतना पुण्य है, जो व्यक्ति भक्ति भाव से नहीं, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर आए हो भक्ति से प्रेम से कथा सुन रहे हो, आप सोच नहीं सकते हो आपकी कितने इसमें भक्ति कितने पुण्य मिलने वाले, कितने पुण्य मिलने वाले। जब ऊपर जाओगे ना चित्रगुप्त, चित्रगुप्त मतलब क्या जानते हो, चित्र मतलब होता है फट, गुप्त मतलब होता है छुपा करके, लेकिन ऊपर में देखो कैमरा लगा हुआ वो चित्रगुप्त का कैमरा है, वो ऑटोमेटिक सबके सब हमारे फटो उनके कहा काफी में वहां पर अपने आप डायरी हो रहा है। जब ऊपर जाओगे ना काफी खोलेगा तो क्या दिखेगा, आप लोग ना सातिर कथा सुनोगे, सातिर यहाँ पर कथा सुनेगा वो है। इसलिए इसका राधा रानी कहती है कथा से ज्यादा जगत में कोई पुण्य नहीं, सबसे बड़ा पुण्य है कथा, ठीक है ना। कथा विश्राम कर दे क्या बोले आरती हो, हरे कृष्ण देखो अंदर सुनो। अभी आज तक आप लोग मैंने कोई कथा की महिमा हमारा सुनाई, ये कथा सुनने से क्या लाभ है, है? इसलिए कल से फिर हम लोग ने कथा कितने से कितने तक है, कितने से कितने तक कथा है, कथा यहाँ पर 6 बजे से कोशिश कर जल्दी आ जाएंगे तो 6 बजे शुरू कर देंगे और 9 बजे हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी विश्राम दे देंगे, लेकिन अगर आप लोग लेट में आओगे तो फिर लेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करना, कल हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, ध्यान देखिए सुनो, बड़े गुरु जी कहते थे आप जब दूसरे बार कथा सुनने के लिए आओ अकेले नहीं, पहले मैंने कथा सुनाया ना, पत्नी आए तो पतियों को लेकर के, पति आए तो पत्नी को लेकर के, अकेले नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दोनों कथा सुनोगे तो दोनों को ऊपर रथ चढ़ेगी, दोनों को ऊपर रथ चढ़ेगी तो दोनों ही भगवान की भक्ति करोगे। आज जिस घर में ठाकुर की सेवा भक्ति होना वही घर ही भगवान की धाम बन जाएगा, कोई बोलो तो वृंदावन बन जाएगी। इसलिए गुरु जी कहते थे जब दूसरे बार आओ कम से कम एक एक व्यक्ति 10-10 व्यक्तियों को लेकर जाओ, कितने कितने भक्तों को लाओगे और जोर से बोलो। गुरु जी कहते थे आप जिनको यहाँ लेकर के आओगे उनको जो पुण्य मिलेगी लाने वालों को उसका आधा पुण्य मिल जाएगा, आधा पुण्य मिलेगा, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को सही मार्ग पर लाए। कल मैं देखूंगा कितने कितने भक्त कितने कितने भक्तों को लेकर के आते हैं, अब मेरे को बताना महाराज जी हम इसको लेकर के आए, हम उनको लेकर के आए, ठीक है। आज कथा को हम लोग यहीं पर विश्राम देते हैं, एक भजन रोज आएगा।
इसको बाद में प्रसाद प्रभु जी नाचने वाला एक भजन बढ़िया से प्रभु जी एक भजन सुनाएंगे हम लोग सबके साथ भगवान के कीर्तन में नाचना उसको बाद में सबके साथ प्रसाद लेकर के आरती प्रसाद बोली बोली
सबके सब शरीर तो मिला तो ये पेड़ जैसे नहीं
विष्णुपाद परमहंस परिव्राज।